कोरोना मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग सभी के अथक सहयोग से अब कई क्षेत्रों में सफलता मिल रही है और ठाकुर जी की कृपा हो रही है। क्या शुभ समाचार है उदयपुर वासियों को सुने। अब तक उदयपुर जिले में टोटल 4 ही पॉजिटिव हैं, जो एक तारीख को एक आया था और क्लोज कॉन्टेक्ट में उसी फैमिली के 3 और पॉजिटिव आए थे। टोटल 4 पॉजिटिव एक ही फैमिली से आए थे। इसके बाद हमने वहाँ पे कर्फ्यू भी लगाया जो चल रहा है। उन चारों की रिपोर्ट कल ही रात को चारों की नेगेटिव आई है। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। चारों की तबीयत ठीक है। इनमें से 3 को खांसी भी नहीं है और 1 को हल्की खांसी है। इसके अलावा हमने अब तक 11,58,206 घरों का सर्वे करके 38,33,060 लोगों का स्क्रीनिंग किया गया। अभी हमारे जिले में जो लोग होम क्वारंटाइन पे हैं 14 डेज तक, उनकी संख्या अब तक 75,416 है और जो डेडिकेटेड क्वारंटाइन इंस्टीट्यूशनल पे हैं वो अभी वर्तमान में 915 हैं और अब तक वो 1184 हैं। आप सब उदयपुर निवासियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। आपने बिल्कुल प्रशासन के साथ सहयोग किया और हमारे जो पॉजिटिव लोग थे वो 4 तक ही सीमित रह गए। लॉकडाउन का अच्छा पालन हो रहा है। आपसे यही रिक्वेस्ट, यही निवेदन रहेगा कि आप अगले जो लॉकडाउन का बढ़ सकता है उसमें भी इसी तरह से हमको प्रशासन का सहयोग करें ताकि ये जो कोरोना पॉजिटिविटी बढ़े नहीं। अभी आप सबको पता है अदर डिस्ट्रिक्ट में केस निकल रहे हैं और हमारे जिले में स्थिति अभी तो कंट्रोल है, लेकिन हम किसी भी स्तर पे हमको लापरवाही नहीं करनी है, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना है। धन्यवाद। राहत भरी इस खबर से आम जन में अपार उत्साह है और अपने आराध्य देव, अपने ठाकुर जी को यही कह रहा है कि जल्द ही इस जंग में फतह मिले। राम राम रसियारे प्रभु मन मसियारे, जो कोई आवे अर्जी लगावे सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियारे प्रभु मन बसियारे। अभी तक जो कोरोना मामले में कार्य हुए हैं वो तारीफ़ काबिल हैं, लेकिन अभी भी कई इलाके छूटे हुए हैं जहां पर काफ़ी कवायद करनी बाकी हैं। ये उदयपुर के मल्ला तलाई इलाके की महिला हैं, प्रशासन इनकी भी सुने। कार्ड बोली रहूं बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है। कोई किराएदार है, कुछ आ रहा है, कोई माने आ रहा है, कई नहीं दे रहा है, पानी दूसरा कुछ नहीं दे रहा है। सब मजदूरी मना, सब मजदूरी मना का बाबा जय सरकार दे रहा है, सब्जी नहीं बेचा दे रहा है, कोई ना पूछी रहा क्या कर रहा है, नहीं पूछी रहा वहां दुकान नहीं लगवा दे रहा, खा रहा है पूछी रहा खाएगा मनी में खाएगा खाएगा जो रहा गो है तो गो 20 किलो दे रहा हूं, 10 किलो दे रहा हूं, बिल्कुल कहीं नहीं, मतलब ही नहीं, मिला रहा नहीं, मिला बार तो मिला रहा नहीं, कहीं राशन नहीं मिलो, गैस नहीं मिलो, कहीं 1 मिनट और लेके क्या क्या गो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, नीचे गिरा था, घर घर आएगा पूछेगा, घर घर आएगा पूछेगा, गैस नहीं पूछ रहा, बिल्कुल नहीं पूछ रहा है, वोट लेना वजनदार से एड्रेस पता नहीं पूछे, घर पे फटाफट लेके कटे 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 घर कटे नहीं है, घर का नंबर ही नहीं जाने कोई। कोरोना से राजनेता भी प्रभावित हुए हैं। सुंदर सिंह भंडारी प्रतिमा स्थल पर पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने क्या कहा, आप भी सुने। आज स्वर्गीय सुंदर सिंह जी भंडारी का 99 वर्ष पूरे होकर के 100 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। उनकी यह शताब्दी वर्ष आज प्रारंभ हो रहा है। वर्ष पर
ये शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम चलेंगे। आदरणीय सुंदर सिंह जी भंडारी एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने संघ के विचार से संपर्क में आने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भंडारी जी ने अपना संपूर्ण जीवन संघ को इस बात के लिए समर्पित किया कि व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होगा। इस महायज्ञ में अपनी पूर्ण आहुति जीवन की सब श्रेष्ठताएं और योग्यताएं लेने के बाद राष्ट्र को समर्पित की और संघ के इस महायज्ञ के द्वारा व्यक्ति निर्माण के इस महाअभियान में उन्होंने अपना जीवन खपाया। मैं सोचता हूं कि आज जनसंघ जिस रूप में खड़ा है वो सारे उन महापुरुषों की देन है जिन्होंने अपने आप को उस यज्ञ की आहुति बनकर के अपने आप को समर्पित किया, उसमें सुंदर सिंह जी भंडारी भी एक। सौभाग्य से इस मूर्ति का जब अनावरण हुआ था तो आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वास्तव में भंडारी जी ने ऐसे कार्यकर्ताओं के निर्माण में ही अपने जीवन को खपाया और इस कारण से आज देश का प्रधानमंत्री का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति भी इसी संस्कारों में से तैयार होकर के आज इस राष्ट्र देवता को दुनिया के मानचित्र पर जो प्रतिष्ठा दिला रहा है उसका अगर प्रारंभ है तो ऐसे ही जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, जगन्नाथ राव जी जोशी, ये सारे लोग जिन्होंने अपने आप को संघ के इस राष्ट्रीय कार्य में समर्पित किया, उनकी बदौलत उनके द्वारा तैयार किए हुए कार्यकर्ता आज देश का नेतृत्व भी कर रहे हैं और देश को एक तरह से राष्ट्र और राष्ट्रभक्ति क्या होती है, राष्ट्र के प्रति समर्पण क्या होता है, राष्ट्र के प्रति अपने आप को खपाने वाला क्या होते हैं, तो ये जो सारी पीढ़ी तैयार हुई उसको तैयार करने में भंडारी जी का भी हम योगदान है। सौभाग्य से आज उनको 99 वर्ष पूरा होकर के 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हम सब उनके कार्यकर्ता जिनको उन्होंने अपनी स्वतः प्रेरणा से, अपने जीवन के आदर्श से, अपने स्वयं के जीवन से जो प्रेरणा हमको दी है, हम प्रयत्न करेंगे कि उनके उस दिखाए मार्ग पर अपने आप को पूर्ण समर्पित भाव से लगाकर इस राष्ट्र देवता भारत माता की सेवा करने में अपना सर्वस्व लगाएंगे। इतना ही मेरी सब कार्यकर्ताओं से भी, भंडारी जी को जानने वाले लोगों प्रति और आने वाली पीढ़ी के प्रति भी मेरी इतनी विनम्र प्रार्थना है कि राष्ट्र अगर खड़ा होगा तो व्यक्ति से होगा, व्यक्ति निर्माण ही राष्ट्र निर्माण होगा। इस महायज्ञ में हम सब लोग अपनी अपनी आहुति दें ताकि हम भारत को दुनिया का सर्वप्रथम स्थान, गुरु स्थान पर स्थापित कर सके और एक बार भारत फिर राष्ट्रगुरु के रूप में दुनिया का नेतृत्व करे। ये केवल शासन का नहीं, मानवता का नेतृत्व करने वाली जो क्षमता भारत में है उसको हम सब लोग अपनी ताकत से आगे बढ़ा सके। इस महापुरुष को जिसका आज जन्मदिन है, आदरणीय भंडारी जी के चरणों में सतत वंदन और उनसे इतना ही आशीर्वाद चाहते हैं कि आपने जिस बात के लिए अपना जीवन समर्पित किया, हम सब कार्यकर्ता आपके द्वारा तैयार किए हुए इस राष्ट्र यज्ञ को अपनी आहुति दे करके देश को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने का प्रयत्न करें। आप कोरोना के प्रभाव से पशु भी प्रभावित हुए हैं लेकिन मानवीयता भी जागी है और कई जन इनके सेवा में आगे आए हैं। क्या कहना है इन सेवाभावी जनों का, आप भी सुने। मेरा नाम चांदनी है, मैं यहाँ ही रहती हूँ। मीरा बाग की घाटी नहीं है यहाँ पे, तो इनको मतलब 3 साल से खाना खिला रही हूँ, 3-3.5 साल हो गए। और लॉकडाउन में? हाँ लॉकडाउन में भी खिला ही रही हूँ। पहले शाम को खिलाती थी, अब शाम को खुले होते हैं, मैं रात को गई ना तो अजीब सा बिहेव कर रहा था, तो मैं सुबह खिला देती हूँ, शाम को ये 5-5 साल हो गए खिला। और क्या ये देख के और कुत्ते देख के और क्या करते हैं? देख के मतलब तुम्हारे को देख के और कैसे आते हैं दौड़ के? अब तो मुझे पहचानते हैं, कहीं भी जाते, पहले तो ऐसा होता तो कुत्ते भूखते भी, जब तो मैं अनजान जगह भी जाती हूँ तो कुत्ते ऐसे आते हैं, जानते हो। क्या क्या खिलाते हैं? बिस्किट, पेडिग्री, चावल, दूध। पहले मैं इनको सबसे पहले
चावल और वो पनीर खिलाती थी ना, वो खाना छोड़ दिया। फिर दूध चाह खिलाती, बिस्कुट मिला खिलाती थी, फिर वो भी छोड़ दिया। फिर बिस्किट खिलाती थी या पेडिग्री खिलाती थी। आज मेरे पास पेडिग्री खत्म हो गया, दुकान पे भी नहीं। उन्होंने बोला कि आएगा तो आएगा, फिर वो लेके आऊँगी, फिर जब तक इनके बिस्किट पे चल रहा है। और ये सूखी रोटियाँ खाते हैं, खाते नहीं खाते सूखी बहुत, मतलब ये कुछ छुपा के रखते हैं तो उसको निकाल के बाद में खाएंगे कड़क करके। बाकी इनको थोड़ी गर्म या थोड़ी सी घी लगी हुई ऐसी रोटी खाते हैं, एकदम खा लेते हैं। खाती है मेरी मम्मी, कहती है कि हर अगर घर से दो दो रोटी भी हर इंसान रख दे ना तो कुत्ते भूखे ही नहीं मर। नॉर्मल है दो दो रोटी, पहले तो सब निकालते थे, एक गाय की रोटी एक कुत्ते की, आजकल वो निकालते ही नहीं। ताकि एक जगह कर लो, जैसे मेरे घर के बाहर बाउल पड़े, एक जगह फिक्स बाउल, यहाँ पे ना तो दो दो रोटी सब रखते हैं, सब जगह तो खाना है। बहुत बुरे। मैं एक दिन गई थी, बीच में वो लोग खिला रहे थे, पता नहीं वो बीच बीच में लोग नहीं आते खिलाने के लिए, आज इस एरिया में खिला, आज उस एरिया में खिला, वो पता नहीं एक दिन आए नहीं होंगे। इतने भूखे कुत्ते, ना इनको कचरा मिल रहा, मैं जितना भी खाना ले रही थी ना वो पार्किंग वाले कुत्ते सारा खाते। डॉक्टर मिलना मुश्किल, आप मानोगे? मैं आपको बताऊँ, मैं चेटक गई ना, चेटक हॉस्पिटल, वो डॉक्टर ने कुत्तों को हाथ लगाने से मना कर दिया, क्यों लेके को ले गया, सड़क के कुत्ते तो इलाज नहीं करेंगे, क्यों ले गया। उन्होंने ऊपर पोमेरियन एक कुत्ती को लेके गए, उसका ढंग से इलाज नहीं किया, मर गया वहाँ डॉक्टर चेटक। फिर भी नहीं लगे, मैंने कहा उसने आठ दिन से खाना नहीं खाया, उन्होंने ढंग से देखा। क्या नाम था उसका? महेश शर्मा शायद नाम था डॉक्टर, उन्होंने नहीं देखा ढंग से, वो देखना ही नहीं चाहते, जैसे कि जानवर को लेके आ तो आप बैठे क्यों वहाँ पे इलाज करने के। क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि इस लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे जानवर हैं, पक्षी हैं, बंदर हैं, गाय हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जब अपन खाना खा रहे हैं तो एक कुछ हिस्सा उन्हीं के लिए भी निकला जाए, पशु पक्षी के लिए, और उनको दाना, उनको पानी, उनको डाला जाए। क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार पुराने लोग वहाँ भी जब खाना खा रहे थे पहले, उससे पहले भी कुछ रोटी गाय के लिए निकालते थे, कुछ कुत्ते के लिए निकालते थे। तो वो परंपरा आज भी हमें कायम रखनी चाहिए और जानवरों के लिए हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। बढ़ती गर्मी में जहाँ कोरोना परेशान कर रहा है, वहीं पहाड़ों पर लगने वाली आग से आम जनजीवन प्रभावित हो रहे हैं।